सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारियों की, यानी कि किसानों को समस्या ना आए। कई किसान भाई कहते हैं अग जी ये तो वीडियो हमने देखी नहीं, ये वीडियो देखी नहीं, यानी कि एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी। तो जानकारी देने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन अवश्य दबा दें ताकि हर वीडियो आपसे शेयर होती रहे, नई से नई वीडियो आपके सामने आती रहे। और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर किसान जैविक विधि से ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और इस देश में हर बीमारी से जो जूझ रहे हैं वो रासायनिक खादों से जूझ रहे हैं आजकल, और जहरीली हमारी ज़मीन होती जा रही है, ज़मीनी हठीली होती जा रही है। तो हमारी ज़मीन भी बढ़िया बने, हमारे खाने का जो खाद्य पदार्थ है वो भी अच्छा बने, तो इसके लिए जैविक विधि की तरफ है। आज नहीं तो आने वाले 4-5 साल में ज़रूर हमको जाना पड़ेगा। तो उस और लोग जाने से पहले आज ही हम इसकी शुरुआत करें तो सबसे बेहतर होगा। आने वाले में इसके अलग प्लेटफार्म भी होंगे, यानी इसकी मार्केट अलग होगी, रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे को आवश्यकता होती है अलग अलग हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है हमारे को कुछ ड्रम की, यानी कि आपने बाजार से एक बार ड्रम खरीदने हैं। ड्रम का जो भी खर्चा है एक बार होता है, ये कई सालों तक चलते हैं। तो सबसे पहले है भाई हमारे पास, हमको आवश्यकता है भाई, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, बाद में दिखा दी हूँ। जैसे आपने ड्रम लिया तो वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर की आवश्यकता पड़ेगी हमारे को, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर से हम कई विधि से अलग अलग खाद बना सकते हैं, अलग लिक्विड खाद भी बना सकते हैं, अपना ठोस खाद भी बना सकते हैं, गोबर के खाद को भी बढ़िया बना सकते हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर ये है, अब दिखाओ भाई इसको। ये वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर है हमारा, तो इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है। इसको आप 200 लीटर का को ड्रम लो, ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी डाल दो, 2 किलो गुड़ का घोल बना के और वो भी इसके अंदर डाल दो, और एक शीशी आती है मात्र 20 रुपये की। आप अमेजोन ऐप के माध्यम से या जो सरकारी सेंटर है वहाँ से आप कहीं भी जहाँ अवेलेबल हो जाए वहाँ से ले लो, या जो किसान भाई पहले से वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर का इस्तेमाल करता है तो उस किसान के पास जाओ। बहुत से किसान फ्री सेवा करते हैं, हम भी यहाँ फ्री देते हैं, कोई भी किसान भाई हमसे आके 5 लीटर 10 लीटर फ्री ले जा सकता है। जैसे आपके पास 5 लीटर भी अवेलेबल हो गया तो 5 लीटर एक ड्रम में डाल दो, ड्रम में डालने के बाद ऊपर से पानी डाल दो और 200 लीटर पानी डाल के और 2 किलो गुड़ का घोल डाल के इसको 5-7 दिन रेगुलर घुमाओ सुबह शाम, ये आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद इस पर एक परत नज़र आ जाएगी, जैसे अभी आपको दिखाई है। इस परत होने के बाद आप समझ लें आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, 1 एकड़ के लिए लगभग 5000 लीटर की आवश्यकता है। 5000 लीटर आप एक बार नहीं चलाएं, जितने भी पानी का, जैसे गेहूं का उदाहरण दूं तो गेहूं का जो पड़ेवा है, पड़ेवा के समय 1000 लीटर चला दे, फिर दूसरी पहली सिंचाई के साथ 1000 लीटर, दूसरी सिंचाई के साथ 1000 लीटर, इस तरह से एक फसल चक्र में 5000 लीटर की हमारे को वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं, वो छिड़काव के एक साथ में सभी की विधि बताऊंगा। इसके बाद हमारे को आवश्यकता होती है भाई जीवामृत की। जीवामृत बनाना बहुत ही आसान है, एक ड्रम के अंदर आप जीवामृत बनाइए। अगर ज़्यादा खेती करते हैं तो उसके अनुसार आपने ड्रम बढ़ा लीजिए। तो हम एक ड्रम की बात बताएंगे, जैसे हमारे पास ये 200 लीटर का ड्रम है, एक 200 लीटर का ड्रम लो, ड्रम के अंदर आप 20 लीटर गौमूत्र ड्रम के अंदर डाल दो, 20 किलो गोबर, गाय का जो गोबर है उसको अच्छी तरह हाथ से मिला के और पानी के साथ और इसके अंदर डाल दो, उसके बाद 2 किलो गुड़ का जो घोल बना के वो भी उसके अंदर डाल दो, 2 किलो बेसन का घोल बना के उसके अंदर डाल दो, और 2 किलो मिट्टी जहाँ रासायनिक खाद यूज नहीं हो रहा हो, जैसे बरगद के नीचे की, पीपल के नीचे की, या बांध वगैरह की, या तालाब के नीचे की मिट्टी ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार होता है, वो भी इसके अंदर डाल दो। और इसके अंदर जो कंडे की राख होती है, उपले की जो राख होती है, तो वो भी इसके अंदर लगभग 2 किलो डाल दो। 2 किलो डाल के वही विधि होती है, 5 से 7 दिन इसको रेगुलर घुमाओ और लगभग 15 से 20 दिन में हमारा ही तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसका आप खेत के अंदर, जैसे जहाँ पानी की निकासी है, पानी की निकासी खेत के अंदर चला सकते हैं, यानी कि एक पानी के साथ ही आवश्यकता पड़ेगी हमारे को एक ड्रम की। तो इस तरह से 5 ड्रम हमारे को एक फसल चक्कर के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे पास छोटी वो है क्यारी, छोटी क्यारी, उसके अनुसार आप बना सकते हो, यानी कि 1 एकड़ के लिए 1 ड्रम की एक बार आवश्यकता पड़ती है, लगभग 4-5 ड्रम आपके पूरी फसल चक्र में लगता है। इसके बाद हमारे को आवश्यकता होती है भाई जैविक कीटनाशक की। तो
तो ये हमने जैविक कीटनाशक बना रखे हैं इसके अंदर, और जैविक कीटनाशक बनाने की बहुत ही आसान तरीका है। कई किसान भाइयों को किसी समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आज हमने कुछ पत्तियां भी इकट्ठी कर रखी हैं। जैविक कीटनाशक बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले कोई भी ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी। ड्रम के अंदर आप गौमूत्र भी ले सकते हैं, और उसके साथ आप वेस्टिंग वाला कल्चर भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, या बाकी पानी मिला के। जैसे हम उदाहरण करेंगे 50 लीटर का, 50 लीटर में आप लगभग 10 से 15 20 लीटर आप गौमूत्र लीजिए, बाकी पानी मिला लीजिए, आप वेस्टिंग वाला कल्चर मिला लीजिए। इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी हमारे को पत्तियों की। जैसे हमारे पास सबसे पहले नीम की पत्ती बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए, और नीम की पत्ती हमेशा डंठल समेत काटें, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के और इसको कूट के और आप ड्रम के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे को आवश्यकता है धतूरा, धतूरे के बाद आवश्यकता पड़ेगी हमारे को भाई ये अक्षंड है, अक्षंड के बाद ये हमारे पास अरंडी है, ये भाई दूसरी प्रजाति है नीम की ही, बकैन बोल देते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद ये है गाजर घास, कांग्रेस घास भी बोल देते हैं इसकी, ये अतिबला है, और ये बेशरम बासा, और ये अकवा आकटा बोल देते हैं, अकवा बोल देते हैं, और ये भांग। यानी कि कोई भी 10 तरह की पत्ती जिसको गाय भैंस नहीं खाती हो, आपने अगर 50 लीटर तैयार करते हैं तो 500 ग्राम, अगर 100 लीटर तैयार करते हो तो 1 kg, 200 लीटर तैयार करते हैं तो 2 kg, हर आइटम समान बराबर भाग में इसको अच्छी तरह काट के कूट के और अपने ड्रम के अंदर डाल दो। और इसके बाद अगर आप 550 लीटर बनाते हैं तो लगभग 100 से 150 ग्राम हल्दी, 100 से 150 ग्राम हरी मिर्ची, 100 से 150 ग्राम लाल मिर्ची पाउडर, 100 से 150 ग्राम आपने अदरक लहसुन और करेला, ये सभी आइटम को अच्छी तरह कूट के इसके अंदर डाल दो। डालने के बाद ये लगभग 5-7 दिन इसको भी घुमाओ, और घुमाने के बाद इसका अरख निकल जाएगा, 15-20 दिन में ये ऑलरेडी हमारा तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी फसल के अंदर स्प्रे करो, आपकी कीटों की रोकथाम करेगा, 100% रोकथाम करेगा। आप इसके साथ एलोवेरा का जूस निकाल के वो भी मिला सकते हो, या एलोवेरा काट के वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। और इसका स्प्रे करने का 10% का इसका रेशो रखना है, 10% की मात्रा में आप किसी भी फसल पर छिड़काव करोगे। एक छिड़काव से कभी काम नहीं चलता है, कम से कम 2 छिड़काव करने पड़ते हैं। अगर 2 से काम नहीं चला, ज़्यादा कीटों का प्रकोप हो जाता, तो 3 स्प्रे में आपकी फसल पर 100% काम करेगा, और आपकी फसल बिल्कुल कीट रहित होगी और रोग रहित होगी। इसके बाद हमारे को आवश्यकता पड़ती है, आजकल हर चीज़ में, जैसे सर्दी का समय है, सर्दी में बहुत सी फसलों को सर्दी का प्रकोप लग जाता है, वो प्रकोप से बचाता है। और ये हमारा हर आइटम में, जैसे हम खेत में इसको डालते हैं तो ये हमारी ज़मीन को 100%, यानी कि जो चेंजिंग होती है उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। इसको बोलते हैं हम सरसों की खड़ी, यानी मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये, बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आपने 50 लीटर का ड्राम लोगे तो 50 लीटर के ड्राम में लगभग आपने 5 kg सरसों की खड़ी डाल देनी है। 5 kg सरसों की खड़ी डाल के लगभग आपने 7 दिन के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको सिर्फ 1 या 2 बार घुमा दो, ज़्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, या 3 बार घुमा दो। जब इसको आप यूज़ करें उससे पहले इसको 1 बार और दोबारा घुमा के और इसको अच्छी तरह छान के इसका स्प्रे करो। किसी भी फसल पर स्प्रे करोगे तो ये आपकी कीटों की भी रोकथाम करेगा, और आपकी फसल में खाद की भी पूर्ति करेगा, और ये ऊपर से अपना यूरिया की भी पूर्ति करता है। इसके अंदर एक तरह के नहीं, इसके अंदर लगभग ये मान के चलो कई गुना, हर खाद जो बाज़ार से हम खाद करते हैं उससे कई गुना इसके अंदर रिजल्ट मिलते हैं, और ये हर फसल के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इससे हम जो खाद बनाते हैं गोबरा खाद, महाशक्तिशाली जैविक कीटनाशक उसके अंदर मिक्स करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो खाद जैविक कीटनाशक प्लस वेस्टिंग कंपोस्ट और प्लस सरसों की खड़ी, तीनों को मिला के अगर हम उस पे खाद पे इस्तेमाल करते हैं तो खाद हमारा बहुत जल्दी बनता है, और वो खाद ऐसा बनता है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो ज़मीनी जो कीड़ा होता है हमारी जैसे जड़ों को काटता है, वो आपकी ज़मीन को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपकी फसल बहुत शानदार होगी। इसके बाद हमारे को आवश्यकता पड़ेगी भाई, बहुत ही जरूरी है ये हमारे लिए, इसको बोलते हैं हम माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट एक हमारी जो भी फसल है, खासकर जो फल वाली है, जैसे सब्जी है, जिस समय कोई भी है सब्जी के अंदर जिस समय फूल आना चालू हो जाता है, और फूल आने के बाद फल बनना चालू हो जाता है, या भाई हमारी बागवानी है, बागवानी जैसे
कोई भी फल का पेड़ है उस पर जब फूल आना चालू हो जाता है उस समय ये बहुत ही कारगर होता है, और जैसे जैसे फल बनना शुरू हो जाता है उस समय इसकी स्प्रे बहुत ही ज़रूरी होती है। और जैसे गेहूं है, सरसों है, जिस समय उसके अंदर बाली निकलनी शुरू हो जाती है या फली बननी शुरू हो जाती है किसी भी फसल के अंदर, तो उस समय इसकी स्प्रे बहुत ज़रूरी है। तो इसकी इसका पहले बनाने की विधि बताएंगे। आप 5-7 तरह की कोई भी दाल जो दलहन बोलते हैं उसका अच्छी तरह पाउडर बना लीजिए। अगर उदाहरण के तौर पे आपने बनानी है 100 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार करना, तो उसके लिए 1-1 केजी, जैसे भाई आपने चने की दाल ले ली, मूंग की दाल ले ली, उड़द की दाल ले ली, अरहर की दाल ले ली, इस तरह से 5-7 तरह की दालें का पाउडर बना लिया 1-1 केजी का। और इसके बाद ओलिया सीड 2-3 तरह की ओलिया सीड, जैसे सरसों की खड़ी ले ले या भी सरसों जो सीड होता है सरसों का उसका पाउडर बना लें, उसके बाद सूरजमुखी का पाउडर बना लें और तिल का पाउडर बना लें। और उसके बाद हमारे को आवश्यकता पड़ेगी लगभग एक 500 ग्राम कॉपर की और 500 ग्राम हमारे को आवश्यकता पड़ेगी भाई उसकी लोहे की कील की। तो सारा आइटम जैसे हमने थोड़ी मात्रा में बढ़ा रखा है तो इसके अंदर थोड़ी मात्रा में बढ़ाते हैं तो आप थोड़े थोड़े उसके हिसाब से ले लें। जैसे मान लिया आपने बनाना है अभी 20 लीटर, तो 200 ग्राम आइटम ले लें और उसके अंदर 50 ग्राम कील डाल दें और 50 ग्राम कापर डाल दें, और उसके बाद 50 ग्राम गेरू भी डाल सकते हैं। ये भी वही विधि है, 4 से 5-7 दिन इसको घुमाओ, घुमाने के बाद ये लगभग 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसका रेशो जो होता है वो 10% लेना पड़ता है। इसको हमने 10% किसी भी ड्रम के अंदर, जैसे 15 लीटर की है तो लगभग 1.5 लीटर ये मिला के बाकी पानी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ वेस्ट निकोला कल्चर भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। सरसों की खड़ी का जो मस्टर्ड केक जो बताया था उसका लिक्विड फर्टिलाइजर वो भी इसके साथ मिक्स करके मिला सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना है, टोटल जो रेशो होती है हम कोई भी आइटम इसके साथ मिलाएं तो मिलाने के बाद रेशो हमारी 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 50% से नीचे रखें। चाहे आप इसके अंदर हर आइटम मिला सकते हैं, जीवामृत भी मिला सकते हैं, इसके साथ वैष्टी कंपोज मिला सकते हैं, इसके साथ अपना अभी आप हम आपको दिखाएंगे आप जेब्रिलिक एसिड भी मिला सकते हैं। तो कोई भी आइटम मिलाएं तो उसको 50% से रेशो से ऊपर ना जाने दें। तो इसको क्या करेंगे, जिस समय फूल आ जाता है उस समय इसकी स्प्रे करें अवश्य करें, उससे फूल भी चमक आएगी, फूल गिरने में भी रुकेगा। बहुत से जैसे कोई भी फलदार पेड़ है उसके फूल जो आते हैं स्टार्टिंग में फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ते हैं, तो फूलों को झड़ने से भी रोकेगा और आपके फल का जो साइज़ है वो भी बड़ा करेगा, और आपके फल का साइज़ बड़े होने के साथ साथ फल को चमकदार बनाएगा और खाने में टेस्ट ही अलग होगा। इसके बाद हमारे को आवश्यकता है भाई जेब्रिलिक एसिड। इसको बनाने की बहुत ही आसान विधि है। आप जैसे हमारे पास ये लगभग 100 लीटर का ड्रम है, 100 लीटर के ड्रम के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 15 से 20 कंडे की। 15 से 20 कंडे लीजिए उपले गोसे, हरियाणा भाषा में गोसे बोल देते हैं, कई जगह उपले बोल देते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता जी गोसे क्या होते हैं, उपले क्या होते हैं, ये इस तरह से होते हैं जिससे हम गाय भैंस का जो गोबर होता है उससे बनाते हैं, कई जगह अलग अलग भाषा में बोल देते हैं। 15-20 ये लीजिए, 15-20 लेके ड्रम के अंदर डाल दें, जितने आपके ड्रम के अंदर आ सकते हो अच्छी तरह ड्रम के अंदर डाल के, और ऊपर से पानी डाल दो या वेस्ट वाला कल्चर डाल दो इसके अंदर या गौमूत्र डाल दो, इच्छा आपकी है। जैसे 15-20 दिन में इसका अच्छी तरह से अरख निकल जाएगा, अरख निकलने के बाद इस पर एक परत नज़र आ जाएगी, और जैसे परत आ जाती है ये होता है ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत बड़ा ज़बरदस्त सहायक होता है और खाद की भी पूर्ति करता है। इसको आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे हम भाई, जैसे ये है हमारे पास, हमारा इतना बड़ा किसान होता है जो भी हमारे घर पे फ्रूट का छिलका है या भी सब्जी का छिलका है उसको हम वेस्ट में फेंक देते हैं, यानी कि वेस्ट में फेंकने से उसमें बदबू भी हो जाती है और पर्यावरण को नुकसान भी होता है। तो वेस्ट में फेंकने की बजाय उसको आपने क्या करना है, डाल के दिखाओ भाई इसको एक बार, चाहे आपके पास किसी भी तरह का सब्जी का छिलका है, चाहे फ्रूट का छिलका है, चाहे आपका कोई भी वेस्ट है, उसको इस तरह से वेस्ट को आप कोई ड्रम ले ले, बड़े वाला ड्रम ले ले, या ड्रम में नहीं ले तो ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोद ले, और गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर इस तरह डाल दे, और डालने के बाद जैसे ही हमने ये सब आइटम डाल दिया इस पर आपने कुछ मात्रा में इस तरह से ये दिखाओ भी एक बार, ये इसके अंदर सरसों की खड़ी लिक्विड फर्टिलाइजर ले रखा हमने, और ये हमारा ये ले रखा हमने वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर, यानी कुछ मात्रा में वेस्ट कल्चर और सरसों की खड़ी दोनों मिक्स करके इस तरह से मिक्स कर लें और उस पर छिड़काव कर दो, पत्ते डाल दो भाई एक बार, डाल दो सारे डाल दो और ये ऊपर छिड़काव कर दो।
तो जो भी हमारे घर का वेस्ट है, किसी भी तरह का किचन वेस्ट है, चाहे फ्रूट वेस्ट है, चाहे भाई आपके जो बागान के अंदर है पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते वगैरह हैं उनको जलाएंगे नहीं, वो सारा होता है इसके अंदर डालो, डाल के अंदर इसको हड़के उसके हाथ से छिड़काव कर दो। और जो भी खरपतवार है, जैसे अभी ये हमने सब्जी लगा रखी है और सब्जी के अंदर जैसे हम कोई भी खरपतवार है, ये जैसे हमने खरपतवार दिखाई दिया, ये यहाँ ये खरपतवार दिखाई दिया हमने, ये इस तरह से इस खरपतवार को भी आप इससे उखाड़ के और इसको क्या करना है आपने इसी के अंदर डाल देना है। इस तरह से इसको जितना बारीक करके डालोगे ना, इसको कटाई करके डाल दो किसी भी चीज़ से और इसके ऊपर डाल दो ऐसे, और डालने के बाद ऊपर छिड़काव कर दो। तो कुछ टाइम के बाद देखोगे जब आपका ये ड्रम भर जाए तो दूसरे ड्रम में शुरू कर लें और इसको बीच बीच में है ना इस पर छिड़काव ज़रूर करते रहें। तो कुछ टाइम के बाद देखोगे ये आपका जैसे कंपोस्ट खाद होता है उस तरह से बहुत ज़बरदस्त खाद बन जाएगा और इसकी पावर जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भाई आपका अनार का पौधा है, अमरूद का पौधा है, भाई आपका नींबू का पौधा है, हर पौधे में इसका कर सकते हैं, अपनी खेती के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक किसान दो चार आइटम पाँच आइटम बना के और अपने हर तरह की जैसे अगर कीटों की रोकथाम करनी है तो कीटनाशक से, और फसल को बढ़ाना है तो अपने माइक्रोन्यूट्रेंट से, और वेस्ट डीकंपोजर जो है मैंने बताया था इसको हमारे क्या के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वेस्ट डीकंपोजर कल्चर से के सबसे पहले तो हम खाद की मात्रा पूर्ति करता है, दूसरा हमारे जितने भी जो खाद होते हैं जैसे अभी हमने खाद की बात बताई थी वेस्ट से खाद बनाना, या भाई हम गोबर के खाद को महाशक्तिशाली कैसे बनाते हैं उसमें गोबर का जो खाद हम डालते हैं उसमें आप इसका रेगुलर छिड़काव करते रहो और तीसरे चौथे दिन तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे आपका खाद बहुत ज़बरदस्त तरीके का होगा। जो आम खाद होता है वो लगभग एक एकड़ के लिए 5 ट्रॉली की आवश्यकता होती है, और जो हम इससे वेस्ट डीकंपोजर और सरसों की खड़ी से खाद जो बनाते हैं वो 1 ट्रॉली 5 ट्रॉली से ज़्यादा काम करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।